स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि जल्दी मिलेंगे, तो मैं आ गई जल्दी आपसे मिलने के लिए। अपना नया वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पुराने वीडियो की कुछ चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ। मैंने वीडियो में बताया था एक सेंटेंस दैट आई हैज अप्लाइड फॉर जॉब, ठीक है, तो वो हैज लिखा था, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्ची ने नोटिस किया कि यहाँ पर हैज क्यों है। तो उसका आंसर हैज जो है वो ग्रामेटिकली सही नहीं है, क्योंकि आई के साथ हमेशा हैव आता है, ठीक है। पर यूएसए के कुछ राइटर्स हैं जो ब्रिटिश ग्रामर को फॉलो नहीं करते, और उन्होंने अपने नॉवेल्स में इस हिसाब से लिखा है आई हैज अप्लाइड फॉर जॉब। सो मैंने वहां से ये सेंटेंस लिया था और यहाँ पर लिखा था, ठीक है। तो उस बच्ची के लिए तालियां, क्योंकि उसने अच्छी तरह से नोटिस किया है। और एक और बात है, जहां पर मैंने सेड वाला सेंटेंस लिखा हुआ था दैट आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, तो वो जो सेंटेंस था उसमें भी अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो सेड के बाद जो सेंटेंस है उसका टेंस चेंज होता है। वो भी क्या बताए, अब सिर्फ एक ही बच्ची ने नोटिस किया कि वहां पर ग्रामर जो है उसका टेंस, वो सेंटेंस का टेंस चेंज होता है, तो आपने क्यों नहीं किया। तो मैंने जानबूझकर नहीं किया था ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग कितना ध्यान से लिखते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्ची ने ध्यान दिया, बाकी सब लोगों ने क्या किया, जितना मैंने लिखा है वर्ड टू वर्ड लिखा है, जहां पर फुल स्टॉप है उसी हिसाब से फुल स्टॉप किया है। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, ध्यान रखना कि अगर कुछ ऐसा लिखा हमें और दिख रहा है तो हम उस पर ध्यान दें और फिर पूछे, ओके। तो अब हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सारे सेंटेंस जो थे लास्ट टाइम में उसमें कुछ ना कुछ चेंज था, अब हम इस हिसाब से देखेंगे कि पूरा सेंटेंस किस हिसाब से चेंज होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है शी सेड आई एम बिजी टूडे, ओके। तो सेड है यानी कि पूरा जो सेंटेंस है उसका टेंस चेंज होगा, तो किस हिसाब से लिखेंगे। पहले तो हमें लिखना है शी सेड, फिर हमारा कंजक्शन दैट, ओके। आई किसके लिए यूज हुआ है, शी। फिर यहाँ पर टेंस देखेंगे, सिंपल है तो सिंपल प्रेजेंट, तो उसका हो जाएगा सिंपल पास्ट, यानी कि शी वॉज बिजी। फिर यहां पर आप देखिए टुडे का क्या होता है, दैट डे, ठीक है। तो शी वॉज बिजी दैट डे, ओके, क्लियर यहां पर। अब सेकेंड सेंटेंस जो है वो है ही सेड माय फादर इज राइटिंग लेटर्स। अब ये जो सेंटेंस हो गया वो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो किस हिसाब से चेंज होगा। ही सेड दैट, यहाँ पर माय फादर ही के लिए है तो हीज फादर, फिर यहाँ पर उसका पास्ट कंटिन्यूअस तो वाज राइटिंग लेटर्स। अब जाता है थर्ड वन, थर्ड वन जो है वो है परफेक्ट का, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ये सेंटेंस। दे सेड वी हैव डन आवर ड्यूटी, तो ये जो चेंज है वो इस हिसाब से आएगा, दे सेड दैट तो लिख ही देना है हमें क्योंकि ये नॉर्मल सेंटेंस है, फिर उसके बाद वी का हो जाएगा दे हैड, पास्ट में कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट में, दे हैड डन अवर की जगह हो जाएगा देयर ड्यूटी, ओके। तो चलते हैं फोर्थ वन, ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है दे सेड टू मी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास लिसनर भी है, तो क्या हो जाएगा, सेड की जगह टोल्ड, दे टोल्ड मी दैट, ये किसके लिए, मेरे लिए। तो यू की जगह जो है वहां आएगा आई, फिर आई हैड बीन टीचिंग अस की जगह हो जाएगा देम सिंस 2010, ओके। नेक्स्ट वन है रोहन सेड आई ड्रंक मिल्क यस्टरडे, तो यानी कि ये हो गया सेंटेंस सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट का किसमें कन्वर्ट करेंगे फटाफट से, यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा रोहन सेड दैट ही हैड ड्रंक मिल्क। अब यस्टरडे का यहाँ से फाइंड कीजिए क्या है, द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, तो कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर द डे बिफोर लिखा है, ओके, इस हिसाब से चेंज करना है। फिर आगे के सेंटेंस जो है इसमें ये है पास कंटिन्यूअस का, तो ये है स्मिता सेड आई वाज एंजॉयिंग माय वेकेशन लास्ट ईयर इन मनाली। तो आप क्या करोगे, अब देखोगे टेंस के टेबल के हिसाब से कि इसमें किसमें चेंज होता है, फिर यहाँ लास्ट ईयर वाला है तो यहाँ से चेक करो लास्ट ईयर का क्या चेंज होता है, उस हिसाब से इसका आंसर लिखना है, ओके। फिर ये जो सेंटेंस है नेक्स्ट वाला, दलजीत सर सेड यू हैड डन ग्रेट वर्क, यानी कि ये हो गया पास्ट परफेक्ट का, तो उसका आंसर क्या होगा, दलजीत सर सेड दैट, यू किसके लिए यूज हुआ है, मेरे लिए, ओके। तो
लिख देते हैं हम लोग इसका आंसर। दर्जीत सर सेड दैट आई हैड डन ग्रेट वर्क। ठीक है, अब आप पूछोगे यहाँ पर आई लिखा है तो यहाँ पर किस हिसाब से लिखा है, तो सेड के बाद हमें लिसनर ने दिया है तो टोल नहीं लिखेंगे हम, सीधा ही लिखेंगे सेड दैट आई हैड डन ग्रेट वर्क। पर ये सेंटेंस जो है वो किसी और को ही बोल रहे हैं, वो खुद के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, दे सेड वी विल प्ले मैच, यानी कि ये फ्यूचर टेंस का हो गया। तो फ्यूचर टेंस में क्या करना है, सिर्फ दे सेड दैट लिखना है, फिर वी के बाद विल का वुड करना है, फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला सेंटेंस। ही सेड आई शैल बी ईटिंग माय लंच टुमारो एट 1 PM। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर जाइए देखिए क्या चेंज होता है, तो क्या होगा, सिर्फ वुड बी। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पर शेल की जगह हो जाएगा वुड बी ईटिंग हिज लंच टुमारो का फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे एट 1 PM। ओके ओके, तो अब आप पूछोगे शेल का वुड क्यों हो गया, तो जो शेल है जनरली वो इस हिसाब से सेंटेंस में यूज होता है, पर जब हम उनसे पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका शुड भी लिख सकते हैं और वुड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो कन्वीनियंट रहे वो लिखना है, अगर वुड लिखते तो ज्यादा अच्छा साउंड रहता ना इसीलिए। फिर अब लास्ट सेंटेंस जो है वो है राधा सेड आई विल हैव प्रिपेयर्ड माय प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, यानी कि ये हो गया पूरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो उसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, राधा सेड दैट आई की जगह हो जाएगा शी वुड हैव प्रिपेयर्ड हर प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक की जगह हो जाएगा, यहां से देखिए द डे आफ्टर। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी वीक आफ्टर हो जाएगा, यहां पर नेक्स्ट वीक है तो द वीक आफ्टर। ओके, दैट्स इट। यस, हमने इस हिसाब से जो सेंटेंस है उसको चेंज किया, तो आप भी अपनी तरह से ट्राई करना ऐसे कुछ सेंटेंस खुद बनाकर लिखना। ओके, जल्दी मिलेंगे, बाय।